नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि किस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कंपनीज के अपडेट के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न का आप सीख कर आप खुद स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के एक प्राइवेट बैंक होने के नाते भी इस कंपनी का टोटल जो हिस्सेदारी है उनमें से ज्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है, कौन है, मैं चलो एक बार आपको दिखाई देता हूं। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो 94% के आसपास होल्डिंग है और 94% के आसपास जो होल्डिंग है उनमें से दो बड़े होल्डर्स है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास करीबन 49% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन 45% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो देखा जाए तो दोनों ही बड़े गवर्नमेंट कंपनी इसके ऊपर होल्डिंग लेकर बैठे हुए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि सर, इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग नहीं है तो क्या इस कंपनी सही नहीं है, क्या कंपनी बेकार है, क्या कंपनी में आगे चल के बड़ा धमाका हो नहीं सकता। देखिए, सबसे पहले दो चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखिए, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो आज नहीं तो कल उस प्रोमोटर को होल्डिंग को बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के एक नया रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से पता जा रहा है कि हर किसी कंपनी के ऊपर 75% के ऊपर अगर किसी भी प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर अगर होल्डिंग हो तो उस होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी होल्डिंग है, यहाँ पे जो टोटल होल्डिंग है वो 94% के आसपास, अराउंड आप बोल सकते हैं 19% के आसपास होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। तो इतना बड़ा क्वांटिटी अगर बेचा जाएगा तो सोचिए शेयर के ऊपर कितना भारी भरकम प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जिसको माल बेचा जाएगा वो तो मतलब प्रमोटर जो माल बेचेंगे तो वो तो डायरेक्टली इतना बड़ा माल वो खुद डायरेक्टली ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते, तो उसको ओएफएस के माध्यम से माल बेचना पड़ेगा। अभी ओएफएस के माध्यम से माल बेचेंगे तो मतलब कंपनी ऑफर फर्स्ट सेल देंगे। मान के चलिए आज 66 रुपीज है तो कंपनी बता रहे कल अगर मैं इसके शेयर को बेचूंगा और 75% के नीचे अगर होल्डिंग करूंगा तो यहाँ पे 19% का जो शेयर बेचने वाला है तो उसको ऑफर देना पड़ेगा, मतलब सस्ते दामों में देना पड़ेगा। सस्ते दामों मतलब आज मान के चलिए 66 रुपीज चल रहा है करंट प्राइस के हिसाब से, आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। आप सब यही बात को समझिए कि कंपनी को ऑफर देना पड़ेगा, कंपनी ऑफर देंगे कि मानो मैं 55 रुपये में आपको शेयर देने वाला हूँ, तो सोचिए कितना भारी भरकम करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में इंस्टीट्यूशन ने बाय नहीं किया। मुझे लगता है जब यहाँ पे माल बेचा जाएगा उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाएगा, क्योंकि कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स अलग लेवल में इंक्रीज हुआ, पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ अलग लेवल का देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो 782 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़ के आसपास। तो सोचिए आज तक की हाइस्ट कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। सिर्फ प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, कंपनी का बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बड़ा, कंपनी की जो रिजर्व है वो भी बड़ा और उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बड़ा। देखिए, बोरिंग्स में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि पहले तो कंपनी बहुत अच्छा खासा बोरिंग्स उठा रहे थे करीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास और आज वो घट के 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो बोरिंग्स कम हुआ मतलब बैंकिंग के लिए थोड़ा सा खतरा बन सकते, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक बात को आपको याद रखना है, बोरिंग्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्जा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्जा ना लेकर काम करना कंपनी के लिए थोड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करिए इस कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस देखने को मिला उसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स का डेटा है वो कुछ दिनों से ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब डिलीवरी उतना ज्यादा उठाया नहीं जा रहा है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अभी वॉल्यूम उतना ज्यादा उठ नहीं रहा है, फिर भी देखिए बीच बीच में 60 to 70% का वॉल्यूम देखने को मिला है। अब एक चीज को याद रखना, कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ, एक कफ विथ हैंड पैटर्न स्केड हुआ, फाइनली उसको ब्रेकआउट भी किया। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज में, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कन्फर्म इस कैंडल ने कर दिया। तो कन्फर्मेशन होने के बाद रिट्रेसमेंट भी किया, उसके बाद देखिए उसी रेंज के ऊपर चल रहा है। अभी देखिए नीचे साइड में दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है, एक 200 डेज EMA का सपोर्ट है और दूसरा यहाँ से कंपनी का एक सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों ही कंपनी के यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इस सपोर्ट के बेसिस में कंपनी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर से वापस जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट में फिर से धीरे धीरे करके अपटर्न मोमेंटम देखने को मिला है, तो मार्केट जब बुल रन में फिर से कंटिन्यू करेंगे तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है।
बाकी आप आईडीएफसी बैंक के ऊपर आपके क्या राय रखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके भेजना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है LTIMindtree। देखिए LTIMindtree L&T ग्रुप के साथ जो Mindtree दोनों ही एक ही L&T ग्रुप के ही दोनों कंपनी है, LTI और Mindtree दोनों एक ही ग्रुप के कंपनी है। दोनों ने जब एक साथ मार्च किए 2022 में तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक आशा रखा गया था कि दोनों कंपनी मिलकर अच्छा खासा एक हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट दिखाएगा। मगर कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो पहले भी जिस तरीके से सेल्स का ग्रोथ हो रहा था उसी तरीके से सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए उतना खास नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट कम हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे पिछले बार कितना प्रॉफिट था 1636 करोड़ के आसपास और इस बार कितना प्रॉफिट हुआ 1631 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ तरीके से धीरे धीरे करके कम हुआ। जो पहले बार 1375 के आसपास देखने को मिला था इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ और उसके चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। सेल्स का ग्रोथ भी लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रॉफिट भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है पिछले बार के तुलना से। इस बार कंपनी मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में तो ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं। तो कंपनी इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया। अभी देखिए आप कहेंगे सर दोनों कंपनी एक साथ जुड़ चुके हैं तो इसमें तो अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस होना चाहिए था, मगर अच्छा खासा ग्रोथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ तो आप देखना चाहते हैं मगर एक पॉइंट आप भूल चुके हैं कि अभी आईटी सेक्टर के ऊपर लगातार लगातार प्रेशराइज क्रिएट हो रहा है क्योंकि यूएस मार्केट का हालत खराब है, यूरोप मार्केट का हालत खराब है। तो ग्लोबली मार्केट में जब कुछ इस तरीके से सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो बुरी तरीके से हालत देखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई सिचुएशन उतना खराब नहीं है कि कंपनी के ऊपर एग्जिट कर ले, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं खुद का होल्डिंग को। FIs और DIs के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला, प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का लास्ट कुछ फीडर्स का डिलीवरी डेटा देखा दूं तो कंपनी का डिलीवरी कम होता देखने को मिले, इसका मतलब अभी भी प्रेशराइज है, अभी भी बहुत कम डिलीवरी उठा जा रहा है। इस कम डिलीवरी उठाने के पीछे रीजन कौन सा है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी के चार्ट पैटर्न भी कुछ उसी तरीके से नजरिया में देखने को मिला। देखिए डिलीवरी कम होने के पीछे और एक कारण है, आप देखेंगे तो पहले देखिए कंपनी कितना शानदार तरीके से कंपनी बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था, अभी देखिए उसका इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ और कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें आप एक चीज और भी नोटिस करेंगे, कंपनी को करीबन 1600 करोड़ के आसपास पैसा पेमेंट करना है उसका जितना क्रेडिटर्स है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला 2200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी एक थोड़ा सा प्रेशराइज में है क्योंकि ग्लोबली मार्केट के सेंटिमेंट जब क्लियर हो जाएगा तब इस कंपनी का प्रेशराइज और भी क्लियर हो जाएगा और अच्छा खासा ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो इसीलिए चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से बना, एक कफ विथ 100 पैटर्न क्रिएट हुआ और इसका फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए दो बार रिट्रेसमेंट कर चुके हैं और मैं आपको बहुत बड़ा बोल चुका हूँ 200 डेज ये में इसका बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा और उस सपोर्ट के बेसिस में आगे बढ़ेंगे तो कंपनी का जो टारगेट बनेगा वो करीबन 6320 रुपीज के आसपास और कुल करीबन 21% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने का चांसेस है। बाकी इसके ऊपर थोड़ा सा आपका टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी शायद आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकता है। तो आपकी क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बालाजी अमीन्स। देखिए बालाजी अमीन्स के बारे में चर्चा करूं तो ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और कंपनी का हालत आज खराब इसीलिए है क्योंकि कंपनी फार्मा के साथ साथ पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के ऊपर भी काम करता है। अगर इसका कंपटीटर दिखा दूं तो इस कंपनी का केमिकल सेक्टर के ऊपर इसका नाम देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर केमिकल सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि केमिकल सेक्टर का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड कम हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी सेल्स का ग्रोथ 628 करोड़ के आसपास से घटके हो चुके 380 करोड़, इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे कम हुआ। उसी के बेसिस में तो सेल्स होने के पीछे सिर्फ यही रीजन है कि ग्लोबल मार्केट में केमिकल का जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं और डिमांड कम होने के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा बालाजी अमीन्स जो कंपनी है इसको आप खराब कंपनी मत समझिए, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, आगे चल के बहुत बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा जब केमिकल सेक्टर में फिर से रीबैक करेगा क्योंकि कंपनी का डेप्थ देखेंगे तो कंपनी का जीरो डेप्थ है, कोई भी डेप्थ नहीं है, हाथ में कैश भी शानदार है।
उसी के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से देखू तो इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, अगर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है और बाकी जो पब्लिक के पास होल्डिंग है उसके अलावा बाकी किसी के पास उतना होल्डिंग्स देखने को नहीं मिला, तो आप इस तरीके से इस कंपनी को देखिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक हो रहा है, ठीक है, मगर छोटे कंपनी के होने के नाते इंस्टीट्यूशन ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, जब केमिकल सेक्टर के डिमांड फिर से बढ़ता हुआ दिखेंगे तब इस सारे कंपनीज का ग्रोथ होगा, सारे केमिकल्स कंपनी का ग्रोथ होगा। तो आप इस केमिकल सेक्टर के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए एक अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी बाइंग वॉल्यूम कब होता है, जब मार्केट अच्छे कंपनी जब सस्ते दाम मिलते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको हमेशा वही कंपनी को चूज करना होगा जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग है, उसका विजन स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसके साथ साथ वो कंपनी आपको डिस्काउंट में दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी आपको सस्ते दामों में प्रोडक्ट बेच रहा है। तो सस्ते में बेचने का मतलब क्या है, कंपनी का प्राइस, तो प्राइस कहाँ पे है तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक सेल अप मूवमेंट में है और आज इसका जो प्रीवियस एक स्ट्रांगली सपोर्ट है उसी सपोर्ट को वो कंपनी रिटेस्ट किया। अभी फाइनल देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना और कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बनेगा मतलब बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं बनेगा तो उसको मार्किंग कर लेना। करीबन 28% के आसपास यहाँ पे मार्किंग हुआ। अभी देखिए टॉप लेवल से डाउन लेवल तक इसको मार्किंग कर लेना, तो डाउन लेवल पे यहाँ पे जब भी टच करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री लेवल्स और इसका ऊपर साइड में यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो एंट्री लेवल से टारगेट तक देखो तो टारगेट के आसपास जाकर ही वापस आया है, तो मुझे लगता है एक बार फिर से वो रिटेस्ट करेंगे, फिर से वो वापस जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अभी अपॉर्चुनिटी है कि और भी ज्यादा करेक्शन होगा वो तो आपको टच करने के बाद ही पता चलेगा, यहाँ पे टच करने दीजिए, उसके बाद मैं वीडियो बनाकर आपको जरूर शेयर करूंगा कि फिलहाल के लिए सिचुएशन क्या बनने वाला है। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके जरूर शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते हैं ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ओलाटेक सॉल्यूशंस जो लिमिटेड कंपनी है इसके सेक्टर है आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो है बोनस का। कंपनी हर 20 शेयर के बदले आपको 17 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले है। इस बोनस को पाने के लिए आप खुश मत हो जाना कि ऐसे नहीं कि कल ही जाकर निवेश कर दूं, क्योंकि डेट अभी भी बाकी है। कंपनी के परफॉर्मेंस देख लीजिए, कंपनी सिर्फ 53 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है, तो कितने छोटे से कंपनी है आप एक बार जरूर इसको याद रखना। उसके बाद आपको कुछ भी डिसीजन है उस डिसीजन को फॉलोअप करके आप चल सकते हैं। बाकी आप इस सारे कंपनीज के ऊपर आपका कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश है मुझे जरूर कमेंट्स करना और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।